नहीं मानेंगे तो पूरी सड़कें जाम कर देंगे, पूरा इंडिया हमारे साथ है। पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया जब ये खबर आई कि दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार और दरिंदगी की शिकार मासूम छात्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो अब लौट के कभी ना आएगी, उसकी माँ अब उसे गले कभी ना लगा पाएगी, वो अपने पिता को अब खुशियाँ ना दे पाएगी। दरिंदगी का शिकार हुई वो लड़की इस दुनिया को छोड़ गई, जाते जाते वो हर इंसान को अंदर तक झकझोर गई। देश की बेटी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो हफ्ते पहले हैवानियत का शिकार हुई 23 वर्षीय छात्रा की सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। 13 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूल रही युवती ने माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में शनिवार को 2:15 बजे दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि छात्रा के साथ दिल्ली में 16 दिसंबर की रात चलती बस में सामूहिक बलात्कार और फिर उस पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया था और उसे गंभीर हालत में चलती बस से फेंक दिया गया था। इस घटना के विरोध में पूरे देश में जनाक्रोश भड़का और पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए गए। पूरा देश लड़की की सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना कर रहा था और सबको ये उम्मीद थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, मगर शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी की जंग वैसे तो हार गई, लेकिन अब उसकी आत्मा को, समस्त नारी जाति को और इंसानियत को अब इंतजार है इंसाफ का। आज सबकी आंखें नम है, जुबान आज खामोश है, दिल में दर्द है, आंखों में शर्म है। आज मानवता शर्मसार है और इस लड़की की आत्मा और पूरे देश को इंसाफ का इंतजार है। जब देश भर से लोग सरकार और पुलिस की नाकामयाबी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और लड़की के साथ हुई बर्बरता का विरोध किया तो सरकार सहम गई। दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में इंसाफ की गुहार लगाते और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते लोगों पर पानी की बौछारें कर दी। आंसू गैस के गोले छोड़े और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसाई। दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। सरकार और पुलिस दोनों मिलकर लोगों को सड़कों पर ना उतरने की सलाह देने लगे। भीड़ में आतंकी घुसाए जैसी दलीलें देकर लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। मेट्रो की कई लाइंस को बंद कर दिया गया। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन देखते देखते पुलिस छावनी में तब्दील हो गई, सिर्फ इसलिए कि लोग अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठा सके। लोग फिर भी नहीं माने, सरकार व पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ नारे लगाते रहे, पीड़ित छात्रा को इंसाफ दो, दरिंदों को फांसी दो की मांग करते रहे, मगर सरकार ने उनकी एक न सुनी और लोगों की आवाज दबाने में लगी रही और उनको रोकने के लिए तमाम इंतजाम करती रही। और शनिवार को जैसे ही ये खबर आई छात्रा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, तब भी सरकार लोगों की फरियाद सुनने के बजाय वही करती दिखी जो उसने पहले किया था। शनिवार को एक बार फिर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। पूरी दिल्ली पुलिस छावनी में तब्दील हो गई, सिर्फ इसलिए कि लोग सड़कों पर ना उतर आए, सरकार से इंसाफ की गुहार ना लगा पाए, दरिंदों को सजा दो की मांग ना कर पाए। दामिनी को इंसाफ जीते जी तो सरकार नहीं दिला पाई, लेकिन उसके जाने के बाद भी सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। छात्रा अंतिम संस्कार कर दिया गया और जाते जाते उस मासूम की आत्मा शायद यही कह गई थी। जीती जी जिंदगी में कोई कसर बाकी थी जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। फिर भी इस देश का कानून, इस देश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं दिखती। दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, मगर आज तक उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कड़ा कानून नहीं बनाया गया है। दरिंदे दिन दहाड़े घूमते हैं और मासूमों को बलि का बकरा बनाते हैं।
कानूनी प्रक्रिया इतनी लचर है कि इंसाफ मिलते मिलते अरसा बीत जाता है और इंसाफ की गुहार लगाने वालों को अदालत से मिलती है तो बस तारीख। दिल्ली में हैवानियत की हद पार हो जाने के बाद भी कानून की आंखों से पट्टी नहीं हटी। अपराधियों ने गुनाह कबूल कर लिया मगर फिर भी उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, उन्हें सजा नहीं दी गई। किसी की जिंदगी छिन गई, किसी का दामन उजड़ गया, कोई जीते जी मर गया, मगर नहीं मरे तो वो दरिंदे जिनकी वजह से एक मासूम ने दम तोड़ दिया। महिलाओं की सुरक्षा इस देश के लिए चिंता का विषय है। ये समय है आत्ममंथन का, इसलिए ये जरूरी है कि समाज अपनी जिम्मेदारी समझे ताकि किसी और बेटी को फिर ऐसा दिन ना देखना पड़े। आंखों में है अभी आंसू, अभी ये लहू से भरे नहीं है, अपने चारों ओर तो देखो वो अभी मरी नहीं है। जाते जाते वो उस समाज उस देश के लिए कई सवाल छोड़ गई है जहां नारियों को पूजा जाता है। भारतवर्ष में औरतों को शक्ति का रूप माना जाता है, नारी जीवन का स्रोत है ऐसा सबको बताया जाता है, मगर फिर भी इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। हैवानियत का ऐसा चेहरा देखने के बाद कि हम इस बात को कह सकते हैं कि हाँ ये वही भारत है जहां औरतों को इज्जत दी जाती है। जो हुआ उसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि इस देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, वो भी तब जब देश की राजधानी में ही ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन इस हादसे के बाद देश में पहली बार युवा क्रांति दिखी जो देश के लिए काफी सुखद है। इंसानियत मरी नहीं अभी जिंदा है, ऐसा युवाओं ने, महिलाओं ने और हर वर्ग ने दिखाया। लोग इतने परेशान पहले कभी नहीं दिखे क्योंकि शायद जिस क्रूरता से उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसने कहीं ना कहीं हर नागरिक को झकझोर दिया। अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी की सुरक्षा के लिए पहली बार वो सड़कों पर उतरे और उम्मीद है कि जैसा छात्रा के साथ हुआ वैसा वो अब नहीं होने देंगे। समाज में मौजूद ऐसे असामाजिक तत्व जो महिलाओं का अनादर करते हैं, उन्हें अपने पांव की जूती समझते हैं, उन्हें सीख जरूर मिलेगी और अन्याय के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। सरकार इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल कायम करेगी ताकि आगे से कोई ऐसा करने की सोच भी ना पाए, और इसलिए जरूरी है एक सख्त कदम उठाने की। आज देश रो रहा है और सबका हाल कुछ ऐसा है। छोड़ गई है तू हम सबको, फिर भी दिल में जगह बरकरार है, पलकों पे आंसू थमते नहीं, दिल में दर्द बेशुमार है। देश की बेटी ने दम तोड़ दिया मगर वो समस्त नारी जाति के लिए एक मिसाल बन गई। उसके हौसले बुलंद थे इसलिए वो मरी नहीं बल्कि लड़ते लड़ते शहीद हो गई। अब बारी हमारी है कि हम उसकी ये लड़ाई जारी रखें और अपने हाथ में जंग की उस मशाल को जलाए रखें जिसे वो जला कर गई है। आइए आज हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अब और अन्याय नहीं सहेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम पीछे नहीं हटाएंगे और देश की बेटियों को उनका हक दिलाएंगे। नहीं मानेंगे तो पूरी सड़कें जाम कर देंगे, पूरा इंडिया हमारे साथ है। इन आंसुओं को यूं ही ना बहने दो, इनको आंदोलन की हवा लगने दो, इनको विरोध की फिजा लगने दो, इन्हें सूखने दो, इन्हें रुकने दो, इन आंसुओं को यूं ही ना बहने दो। कहीं बहते आंसुओं से मशाल बुझ ना जाए, कहीं बहते पानी से परिवर्तन रुक ना जाए, पर अब ये अंत नहीं है, आज सही पर कल अंधेर नहीं है। मायूस मैं भी हूँ लेकिन मेरी मायूसी मेरी शक्ति है, मेरी मंजिल की अभिव्यक्ति है। रूठ चुके हो तो अब बारी संभलने की है, टूट चुके हो तो अब बारी उठने की है।